हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जाने वाले हैं भरत की एक फेमस चीज को एक्सप्लोर करने के लिए, तो चलो मेरे साथ। हेलो दोस्तों, अभी हम पहुंच गए हैं सिंग की प्रोसेसिंग हाउस में। या देख सकते हो ये दीदी लोग सिंग बना रहे हैं। इनसे मैंने बात की तो उन्होंने मुझे कहा कि कैसे सिंग बनती है। या आप देख सकते हो ये कैसे पैक होती है सिंग। तो ये सिंग है, उसका भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इसकी खेती ये भरूच में नहीं की जाती है, उसको बाहर से इम्पोर्ट करके यहाँ पर मंगाया जाता है। भरूच में कुछ ऐसी बात है कि भरूच का हवा, पानी और मिट्टी ये सिंग को इतनी टेस्टी बना देता है कि वो वर्ल्ड फेमस है। ये आप देखिए। तो गैस, अभी भरूच की सिंग भी अपग्रेड हो गई है। पहले सिर्फ खारे सिंग मिलती थी, अब उसके और भी फ्लेवर आ गए हैं। चॉकलेट वाली सिंग, हींग वाली सिंग, नारियल पानी वाली सिंग, मसाला सिंग, तो और भी बहुत सारे फ्लेवर्स में भरूच की वर्ल्ड फेमस सिंग मिलती है। तो अभी हमने सिंग बनाने वाले ओनर से बात की, उन्होंने इतनी इंटरेस्टिंग चीज बताई हमको सिंग के बारे में, तो लो आप भी सुनो। भरूचनी खारी सिंग फेमस केम छे, ये हमारो धंधो 1932 थी छे। ने एवं कहेवामां आवे छे कि नर्मदा माताની માટીથી ખારી સિંગની કોશિશ કરીએ છે, એનાથી ખારી સિંગ પ્રખ્યાત થાય છે। ને બીજા નંબરમાં અમારો જે વડવા હોય, જે લાલ દાણા હતા એના વાઇટ દાણા કરીને એને ચિનાઈ ખારી સિંગ પહેલેના સમયમાં કહેવામાં આવે છે, એના હિસાબે પ્રખ્યાત છે। બીજા નંબરમાં ખારી સિંગ દેશ વિદેશ બધે દૂર વખણાય છે અને લોકો લઈ જાય છે ખાવા માટે। બસ तो यहाँ पे मैं आ गया था दूसरी दुकान से। मैंने आपके लिए ये दूसरे अंकल से भी बात की, तो अंकल ने मुझे कहा कि ये भरूच की सिंग पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट की जाती है। तो आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। ऐसे ही व्लॉग में आपको आपके लिए लेके आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय।